Well guys, तो फाइनली WWE का समर स्लैम पे पर व्यू ओवर हो चुका है और गाइज आज WWE के समर स्लैम के ऊपर हमें सेट रॉलिंस और फिन बैलर के बीच में WWE का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के आज इस मैच के अंदर ये दोनों करीबन 18 मिनट तक एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते गए। बट गाइज मैच के एंडिंग पर होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर डेमियन प्रिंस इस मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और गाइज डेमियन प्रिंस उनके मनी इन द बैंक को कैश इन करने की कोशिश करते गए, जहां पर डेमियन प्रिंस के इस हरकत के वजह से फिन बैलर इस मैच को जीतने की कोशिश करते गए। बट गाइस तभी यहां पर इस मैच के अंदर रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के इंटरफेरेंस होते गए और गाइस यहां पर रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर को चीयर अप कर रहे होते गए, तभी इसी चीज का फायदा उठा के सेट रॉलिंस कॉर्ब स्टॉर्म हिट कर देते गए और गाइस सेट रॉलिंस के कॉर्ब स्टॉर्म हिट करने के वजह से सेट रॉलिंस इस मैच के अंदर फिन बैलर को हराकर मैच को जीत जाते गए और गाइस आज WWE के समर स्लैम के ऊपर डेमियन इसके मैच में इंटरफियर करने की वजह से फिन बैलर बार बार वर्ल्ड चैंपियन बनने से हार गए।